तेनाली रामा का जन्म 22 सितंबर 1480 में थुमलुरु नामक गांव में एक तेलुगु भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि लोकप्रिय धारणा अनुसार उनका जन्म तेनाली में हुआ था। उनका जन्म नाम गरालपति रामकृष्ण शर्मा था। उनके पिता गरालपति रामैया तेनाली नगर के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में पुरोहित थे। रामैया का निधन रामकृष्ण के बाल्यकाल में ही हो गया था, जिसके पश्चात उनकी माता लक्ष्मा तेनाली नगर लौटकर अपने भाई के साथ रहने लगी। रामकृष्ण अपने मामा के नगर में ही बड़े हुए और रामकृष्ण के नाम से जाने जाने लगे। रामा ने बाल्यकाल में कोई भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु ज्ञान की क्षुधा के कारण वे बाद में प्रकांड विद्वान बने। एक सुपरिचित लोक कथा के अनुसार शैव होने के नाते तेनाली रामा को वैष्णव विद्वान अपना शिष्य बनाने से इनकार करते रहे, और एक बार जब वे मारे मारे फिर रहे थे तब एक मुनि ने उन्हें मां काली की साधना करने का सुझाव दिया। तेनाली रामा की भक्ति से प्रसन्न होकर मां काली ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए। और वरदान स्वरूप देवी मां ने रामा को दो कटोरे दिए। पहले कटोरे में दही था, जो धन के लिए था, और दूसरे में था दूध, जो कि बुद्धिमता के लिए था। इन दोनों कटोरियों में से एक उठा ले रामा। देवी ने रामा को कहा कि कोई एक कटोरा ले लो, तो रामा ने दोनों ही ले लिए, जिससे रामा महाधनवान व महाबुद्धिमान बन गया। हालांकि इन कहानियों की सत्यता पर आप संशय कर सकते हैं, परंतु यह भी सत्य है कि तेनाली राम की बुद्धिमता का उस वक्त कोई सानी नहीं था। तेनाली रामकृष्णा ने हिंदू धर्म पर भी कई सारी रचनाएं की हैं, और कहा जाता है कि वे मूल रूप से शैव थे, यानी कि शिव भक्त थे, और रामलिंग के नाम से जाने जाते थे। पर बाद में जब उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया तो उनका नाम रामकृष्ण रख दिया गया। चूंकि इतने महान कवि ने कोई भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, इसके बावजूद भी उन्होंने मराठी, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाओं में महारत हासिल की हुई थी। और जब उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया तो अपनी जरूरतों को पूरा करने के मकसद से वो भागवत मेला की प्रसिद्ध मंडली में काम भी करने लगे। मंडली का हिस्सा बनकर उन्होंने कई तरह के कार्यक्रम भी किए। और एक बार जब भागवत मेला मंडल विजयनगर दरबार में पहुंचा और राजा कृष्णदेव राय के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जहां उनकी पहली बार मुलाकात कृष्णदेव राय से हुई। शब्द नहीं है हमारे पास आपकी प्रशंसा के लिए। मैं बहुत से प्रदर्शन देखे हैं रास लीलाओं के, किंतु है सात्वत प्रदर्शन आज पहली बार देखा है। और कृष्णदेव राय ने उनके प्रदर्शन को काफी सराहाया, साथ ही उन्हें अपने दरबार में कवि और विदूषक के रूप में स्थान दे दिया। और यहां से रामा के भाग्य ने करवट लेना प्रारंभ कर दिया। राजा देवराय ने उनकी हाजिर जवाबी और उनकी चतुरता को ध्यान में रखते हुए उन्हें विजयनगर के अष्ट दिग्गजों में सम्मिलित भी किया। राजा जब भी दुविधा में होते तो सलाह के लिए सर्वप्रथम रामकृष्णा को ही याद करते। कृष्णदेव राय का रामा के प्रति मित्रता का भाव देखकर दरबार के तमाम दरबारी उनसे ईर्ष्या भी करने लगे। और इस सूची में जो नाम सबसे अव्वल था वो था राज पुरोहित तथाचार्य का।
जो हर बार रामा को नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचा करते थे। न जाने कितनी ही बार उन्होंने छल कपट और षड्यंत्र रच के रामा को दरबार से निष्कासित करने का प्रयत्न किया, परंतु रामा ने उनके सारे प्रयत्न विफल कर दिए। तेनाली रामा का विवाह उसकी बचपन की मित्र शारदा देवी के साथ हुआ था। रामा अपनी अम्मा और इकलौते पुत्र भास्कर के साथ रहते थे, और जब तक महाराज कृष्णदेव राय का शासन विजयनगर में रहा तब तक रामा विजयनगर की सेवा करते रहे। यूं तो रामा ने मृत्यु को अनेक बार चकमा दिया, परंतु 5 अगस्त 1528 में लगभग 47 वर्ष की आयु में सर्पदंश अर्थात सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई, और विष बड़ी ही तीव्रता से रक्त के साथ घुल मिल गया। और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु से पहले उन्हें मां काली के फिर से एक अंतिम बार दर्शन हुए, और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। साथ ही जब राजा कृष्ण देव राय तक यह खबर पहुंची तो उन्हें लगा कि रामकृष्ण उनके साथ परिहास कर रहे हैं, उनके साथ मजाक कर रहे हैं। रामा की मृत्यु के समाचार पर राजा को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। जब उन्होंने रामा के घर स्वयं जाकर देखा और रामकृष्ण को मृत पाया तो उनकी आंखें नम हो गई। उनकी अंतिम यात्रा पर दरबार के सभी राजदरबारी उपस्थित थे और पूरा विजयनगर शोक में डूब गया, परंतु तेनाली राम का नाम आज भी इतिहास में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, और उनकी कहानियां लोगों को आज भी हंसाती है, साथ ही प्रेरित भी करती है।